अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे नाश्ता छोड़ने के खतरात के बारे में। बहुत से लोग सुबह की मसरूफियात या वज़न कम करने की कोशिश की वजह से नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन ये आदत आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि नाश्ता छोड़ने के क्या नुकसानात हैं। नाश्ता ना करने से आपकी तवनाई की सतह कम हो सकती है। सुबह के वक्त जिस्म को तवनाई की ज़रूरत होती है ताकि आप दिन भर की सरगर्मियों के लिए तैयार रह सकें। अगर आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो आप थकावट और कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नाश्ता छोड़ने से वज़न कम होता है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस्म के मेटाबॉलिज्म को मुतासिर करता है। नाश्ता ना करने से आपका जिस्म कैलोरीज को ज़खीरा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख लग सकती है और आप ज़्यादा खाने लगते हैं। नाश्ता छोड़ने से ब्लड शुगर की सतह में बेकायदगी पैदा हो सकती है, जो ज़्याबतीस के ख़तरे को बढ़ा देती है। सुबह के वक्त एक सेहतमंद नाश्ता ब्लड शुगर की सतह को मुतवाजन रखने में मददगार साबित होता है। नाश्ता ना करने की सूरत में आपकी तवज्जो और याददाश्त में कमी आ सकती है। सुबह के वक्त अच्छी खुराक आपके दिमाग की कारकर्दगी को बढ़ाती है, जिससे आपको काम या पढ़ाई में ज़्यादा तवज्जो देने में मदद मिलती है। नाश्ता छोड़ने से आपका मूड मुतासर हो सकता है। आपको चिड़चिड़ापन, बेचैनी या अफसरदगी का सामना करना पड़ सकता है। एक सेहतमंद नाश्ता आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये थे नाश्ता छोड़ने के चंद खतरात। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम सेहतमंद नाश्ता करें ताकि हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। आपका नाश्ता सेहतमंद होना चाहिए, जैसे कि फल, दलिया या दही वगैरह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।